आई एम हरिकृष्ण फ्रॉम केरला। मैंने इंडियन आर्मी में 20 साल सर्विस किया है। अभी मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ, आप लोगों को सबको पता होगा हमारा बॉर्डर पर बाहर का देशों ने तहलका मचा कर रखा हुआ है। एक फौजी होने के नाते मैं इसको लेके चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरा भाई लोग बॉर्डर पर अपना जान कुर्बान दे रहे हैं। चाइना, हमने कभी चाइना को छेड़ा नहीं, चाइना को ही नहीं, हमने किसी भी देश को आज तक नहीं छेड़ा है। अभी कोरोना है, कोरोना का टाइम पर हमारा इकोनॉमिकल एंड हेल्थ कंडीशन में हम लोग उसी सुधारने में बिजी चल रहा है। इसी टाइम का मौका देकर चाइना ने हमारे ऊपर फिजिकल अटैक किया है। चाइना का जो अटैक देखे एक मुट्ठी पर देश भी नहीं है, नेपाल ने हमको आग दिखा है और पाकिस्तान भी हमारे ऊपर शेल का फायरिंग कर रहा है। हम लोगों का इच्छा है लोगा समस्ता सुगनो फवंतु, सब जियो, हम भी जिए, हम किसी को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी वक्त बदल गया है, इट्स अ हाई टाइम वी आंसर दम बैक, मुंह तोड़कर जवाब देना है। मेरा वीडियो को आने का मेन मकसद ये है, आप लोगों को ये बताना है जो चाइना का आर्मी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसी सिचुएशन में इंडियन आर्मी को नया रिक्रूट करके उनको ट्रेनिंग करना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो मैं प्रधानमंत्री जी से मेरा रिक्वेस्ट है, जितना भी भारत का जो एक्स सर्विस मैन है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सबको वापस बुलाया जाए, जिसमें जो फिजिकल डिसेबिलिटीज है उनको छोड़कर जो वर्दी पहनना, दोबारा वर्दी पहनने का तैयार है, हमको एक मौका दिया जाए। और हम आपसे वादा करते हैं, चाइना का ग्रेट वॉल क्या है, हम पाकिस्तान का नक्शा भी बदल देंगे, साथ साथ हम ये पूरा दुनिया को चेतावनी दे देंगे, इंडिया से खेलना शेर का मुंह में हाथ डालने का बराबर है। आज मैं सर्विस में नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं देश के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। आज भी देश के लिए मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं। मैं फौजी था, मैं फौजी हूं, मरते दम तक मैं फौजी रहेगा। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है, हमको सबको वापस बुलाएं, दोबारा देशभक्ति दिखाने का एक मौका दिया जाए। और सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो है आप जितना शेयर कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये पहुंचा दिया जाए। जय हिंद।